कल 12 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के सागर दौरे पर आ रहे हैं, जहां वो कई विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। इन कार्यों में संत रविदास जी के भव्य मंदिर का भूमि पूजन, जिसे सागर जिले के वड़तुमा गांव में 100 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी 2011 में बनाई गई एशिया की सबसे बड़ी ऑयल फैक्ट्री वीना रिफाइनरी के विस्तार की आधारशिला रखेंगे। आपको बता दें कि वीना रिफाइनरी को पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन के तौर पर विकसित किया जा रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट में तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट होगा। इसके बाद वीना मध्य प्रदेश का एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन जाएगा। अभी इस रिफाइनरी की एनुअली 78 लाख टन क्रूड ऑयल रिफाइन करने की प्रोडक्शन कैपेसिटी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद मौरी कौरी विदिशा हिनौतिया हाईवे को 4 लेन करने के साथ साथ हिनौतिया मेलुआ सिंगल रोड लाइन को 2 लेन हाईवे में तब्दील किया जाएगा। इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसी के साथ साथ रेलवे से जुड़े कई तरह के उद्घाटन कराए जा सकते हैं। इनमें मध्य प्रदेश के बीना से राजस्थान के कोटा तक 303 किलोमीटर लंबी नई दूसरी लाइन का उद्घाटन किया जाना शामिल है। इस रेलवे लाइन के बनने से कोटा बीना ट्रैक दोहरीकृत रेलवे सेक्शन में शामिल हो गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इसी दिन दमोह से नागपुर के लिए स्वीकृत नागपुर दमोह एक्सप्रेस वाया बीना भोपाल का उद्घाटन कर सकते हैं। आपको बता दें कि ट्रेन की डिमांड सागर सांसद राज बहादुर सिंह ने 14 जुलाई को WCR की बैठक में उठाई थी। उन्होंने कहा था कि अभी सागर जैसे बड़े संभाग से दक्षिण भारत के नागपुर के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया था कि 22/137/38 नागपुर अहमदाबाद प्रेरणा एक्सप्रेस, जो कि वीक में 3 दिन नागपुर से अहमदाबाद के लिए चलती है, अगर इस ट्रेन को वीक में 3 दिन दमोह से नागपुर के लिए चला दिया जाए तो सागर बीना विदिशा जैसे शहरों से नागपुर के लिए इलाज और दूसरे कामों के लिए जाने वाले यात्रियों को नई ट्रेन की सौगात मिल जाएगी। इसके रखरखाव के लिए दमोह स्टेशन पर पर्याप्त पिट लाइन और यार्ड लाइन भी हैं। इस ट्रेन का टेंटेटिव शेड्यूल रेलवे बोर्ड को भेज दिया गया है, जिसके मुताबिक नागपुर दमोह वीकली एक्सप्रेस मंडे को नागपुर से दोपहर 3:55 पर प्रस्थान करने के बाद रात 10:28 पर इटारसी आकर यहां 2 मिनट रुकने के बाद रात 12:15 पर भोपाल आकर यहां 5 मिनट हॉल्ट लेकर रात 12:55 पर विदिशा आएगी, जहां इसको 2 मिनट हॉल्ट दिया गया है। इसके बाद रात 2:40 पर बीना आने के बाद यहां 10 मिनट रुकेगी और 3:30 पर खुरई, सुबह 4:20 पर सागर यहां आकर यह ट्रेन 5 मिनट रुकने के बाद 5:40 पर अपने फाइनल डेस्टिनेशन दमोह पर आगमन करेगी। जबकि दमोह नागपुर एक्सप्रेस दमोह से बीक में मंगलवार को सुबह 6:15 पर निकलने के बाद 8:30 पर बीना, 10:45 पर भोपाल, 12:33 पर इटारसी और शाम 7 बजे नागपुर पहुंचेगी। हालांकि ट्रेन के कॉमर्शियल स्टॉपेज में मंडी, बामौरा, गंजबासोदा, नर्मदापुरम, बैतूल जैसे कुछ बड़े स्टेशनों को जगह नहीं दी गई है। दमोह से नागपुर तक ये ट्रेन 686 किलोमीटर की दूरी को 12:45 में कवर करेगी, जिसकी एवरेज स्पीड 53 KMPH होगी। दोस्तों, ट्रेन का किराया तो इसके उद्घाटन होने के बाद ही सामने आ पाएगा। ट्रेन को प्रेरणा एक्सप्रेस के रैक से चलाया जाता है तो दमोह नागपुर एक्सप्रेस में LHB कोच की सुविधा यात्रियों को मिलेगी।